ले चलते हैं बिलासपुर, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर दौरे पर हैं और वहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि तीज गर्ल कार्यक्रम का ये सीधा प्रसारण आपके सामने है। हर पल हमारे काम करें हम,
राजनीति नहीं थे,
लेकिन हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। जिनका जनता हक है, जिनका जनता अधिकार है, जिस संविधान में व्यवस्था है, बाबा साहब अम्बेडकर जिन संविधान निर्माण करे है, जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मिलना चाहिए, उन्हें दे के काम करें, हम उसको यह काम नहीं करेंगे। ये मन के माध्यम से कहना चाहता हूं, कुछ आदमियों का आज 16% करना चाहिए, लेकिन संविधान की व्यवस्था जिसका जनसंख्या जनता करता नहीं है। आज अनुसूचित जाति की जनसंख्या 13% है, उस 13% में हम 2021 के जनगणना में यदि 14-15-16% हो गए, इसी दिन मन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जिन दिन जनसंख्या 16% हुई, उस दिन 16% दिए जाए। मंडल आयोग हमारी करीब 70% आरक्षण की फेरबदल मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ में केवल 14% पिछले कई साल में पिछड़े वाले कहा तुम्हारे इलाज नहीं थे, लेकिन जिस मंडल आयोग की पारित करीब 70 लाख रुपए के काम छत्तीसगढ़ सरकार करे, 27% आरक्षण, क्योंकि 50% से अधिक अमर पिछड़े वर्ग में निवास करते, जब लोकसभा में पारित हुए कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें, 10% हमारे सामान्य वर्ग की व्यक्ति है और जिन आर्थिक रूप से कमजोर है वो मदद दिए जाना चाहिए, वो फैसला भी हम छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल करें और आज देश में सर्वाधिक आरक्षण देने वाला 80% देने वाला राज्य है वो छत्तीसगढ़ सरकार है। ये संविधान ने जिन लोकसभा में जिन मंडल आयोग ने सिफारिश करी वो लागू कर दो, लागू करने का काम में हम करें छत्तीसगढ़ सरकार। एक अगर मैं कहना चाहता हूं, ये कोई एहसान कांकड़ों ऊपर कोनों और ऊपर नहीं करे, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं जैविक रूप से मैं दौरभंग कुमार बघेल के लिए कहा, वैचारिक रूप से महात्मा गांधी और नेहरू का समर्थक हूं, लेकिन मैं गर्व साथ कहना चाहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ माता रीति पीता हूं। मैं जब शुरू करो अपनी आप ये जनसंख्या है वो हर वर्ग के हित के ध्यान रखे के काम छत्तीसगढ़ सरकार तरफ है नहीं वो आगे भी तरफ रहेगी, ये विश्वास बहुत अनुभव छत्तीसगढ़ में बहुत अहम निर्णय रोज नवा नवा निर्णय ले रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के आदमी अपना आप सम्मानित हो चुके हैं, अरे भी हर पर मनाते हैं बेटी भाई भी हर साल पूजा पर्व मनाते हैं, इसे हर साल कर्मा जयंती मनाते हैं, हर साल विश्वासवादी दिवस मनाते हैं, हर साल छठ पूजा होती है, लेकिन ये आपके सरकार है आपके भावना आपके शिक्षक आपके यहाँ संस्कृति आपके राम संस्थान पालक सम्मानित करेंगे काम को करे तो छत्तीसगढ़ सरकार करे। एक स्थिति पहली बार हमें लगा दे कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ या मंत्र सरकार हम सब के सरकार है। आज ये अवसर में आप सब लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी में नाम दे रहा हूं, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। अभी आप रुकेंगे, मैं अपने इसके आगे की कार्रवाई के लिए अपने साथी भाई सौरभ सक्सेना जी को बुलाने से पहले मैं दो मंत्रियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे विदा लेता हूं। नक्षत्र अमा के गुस्से हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नक्षत्र अमा के गुस्से हैं, सारा आकाश तुम्हारा है, हे महासेनानी करो प्रयास, भावी इतिहास तुम्हारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है, इन्हीं शब्दों के साथ भाई सौरभ करते हैं। धन्यवाद भी है और सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि तैयारियों को सवारी का स्वीकृता करेंगे, जैविक खेती प्रमाण पत्र के लिए उप संचालक कृषि प्लेटफॉर्म करेंगे। हर्षिता ब्रदर्स लाइव नहीं देख रही है स्वराज एक्सप्रेस।